एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ साथ जो है एक महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा के टॉपिक पर भी चर्चा करना समीचीन समझते हैं। G8 शिखर सम्मेलन या G7 शिखर सम्मेलन दोनों ही रूप में, लेकिन वर्तमान समय में यह जो है G7 शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस कहानी को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यह दुनिया के जो है विकसित देशों का एक जो समूह है, जिसका कि पूरी दुनिया के संदर्भ में लिया गया निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये टॉपिक न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल में ही G7 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो इसके द्वारा वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण चर्चा किया गया है, निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके पूर्व में हम लोग इसके संरचना के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। G7 की जो स्थापना हुई थी वो 1975 ईस्वी में संपन्न हुई थी। 1975 ईस्वी में G7 ग्रुप की जो स्थापना हुई थी, और बाद में 1997 ईस्वी में सोवियत संघ को, पहले जो कि सोवियत संघ था बाद में वो रशिया बन गया, तो इसे भी शामिल किया गया और ये G7 से G8 हो गया था। और 2014 में आकर के क्रीमिया के जो मुद्दे पर जो है इसे ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया, और वर्तमान समय में ये अपने पूर्व के स्वरूप की तरह से G7 के रूप में काम कर रहा है। तो वर्तमान समय में इसकी जो स्थिति है वो G7 यानी कि 7 देशों का ये जो है समूह, इसमें अगर हम इसको कंटिनेंट के आधार पर देखने का प्रयास करें तो उत्तरी अमेरिका से इसमें कनाडा और अमेरिका USA आते हैं, 2 हो गए। यूरोप से इसमें 4 देश हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह सकते हैं आप, तो 4 यहाँ से हो गए और 2 वहाँ से 6 हो गए। और एशिया का एकमात्र देश जापान इसमें जो है शामिल है। तो कुल मिलाकर के इस देशों की संख्या जो है वो 7 हो जाती है। तो इस रूप में इसकी जो है कहानी रही है। ये दुनिया के जो है विकसित देशों का जो समूह है, और देश दुनिया के लगभग जो है GDP का लगभग 60% इसके द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। अतः आर्थिक क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में लिया गया इसका निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी हाल में ही जो है G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन वर्तमान की स्वास्थ्य समस्याओं को भी ध्यान में रख करके आयोजित किया गया था। चूंकि COVID-19 के संदर्भ में कई बार ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि यह लैब से उत्पन्न किया गया वायरस था, तो ऐसी स्थिति में चीन के द्वारा इस तरीके के भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए तथा उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये जो सम्मेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी कुछ जो है इसमें चर्चा की गई, और ये वैक्सीनेशन पर चर्चा किया गया, और भविष्य में जो है स्वास्थ्य से कोई समस्या ना उत्पन्न हो सके इसलिए सभी देशों के द्वारा एकजुट होकर के इस पर अपनी जो है जन समर्थन और अपनी भागीदारी इसमें दिया गया। तो इस आधार पर यह सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम से कम दुनिया के इस तरीके के जो है सभी महत्वपूर्ण देश इसमें जो है सम्मिलित होते हैं और इनका निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि G7 के साथ साथ इसमें 4 अन्य देशों को एक अतिथि देश के रूप में भी जो बुलाया गया, इसमें भारत भी जो शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, और इसी तरीके से दक्षिणी कोरिया तथा दक्षिणी अफ्रीका को जो शामिल किया गया। दक्षिणी कोरिया एशिया का एक उभरता हुआ जो है देश है, और इसी तरीके से दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीकन जो है महाद्वीप का एक सबसे विकसित या सबसे जो है एडवांस कंट्री के नाम से जो है रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से अन्य 4 देशों को इसमें बुलाया जाना भी इन सभी देशों की जो प्रतिष्ठा और इन सभी देशों के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित करता है, और इनको एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में मानता है कि कहीं ना कहीं वैश्विक समस्याओं के संदर्भ में हम इनकी भागीदारी को जरूरी समझते हैं, और इनके द्वारा जो भी रोल अदा किए जाएंगे वो देश दुनिया को जो बचाने के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यह सम्मेलन जो है वर्चुअल था, क्योंकि देश की जो परिस्थितियाँ हैं, जो पूरे वैश्विक वातावरण में जो एक समस्या है COVID-19 के कारण से, उसके कारण जो है यह जो सम्मेलन था वो वर्चुअल किया गया, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो है भागीदारी जो है की गई। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इसमें 2 बातें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर ध्यान में रखना आवश्यक है। 1 अर्थ और 1 हेल्थ की जो है इन्होंने बात किया, 1 अर्थ और 1 हेल्थ की इन्होंने जो बात किया कि एक जो है पृथ्वी और एक ही तरीके की स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया में जो है जितने भी देश हैं वो सभी जो है स्वास्थ्य को लेकर के सजग हों, और इससे अगर किसी भी तरीके की जो है स्थिति या संकट
उत्पन्न होता है तो उस पर सभी लोगों को एकजुट होकर के जो काम करना चाहिए ताकि इसमें कम जनधन और तबाही के आधार पर ही जो है इससे निपटा जाना संभव हो सके। दूसरी तरफ जो है पूरी दुनिया में जो है जो तकनीक है उस तकनीक को पेटेंट की जो व्यवस्था है उससे बाहर निकालने का भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो प्रपोजल रखे गए और इस पे ये अपेक्षा किया गया कि जो G7 के देश हैं वह इनका वैश्विक पटल पर जो है समर्थन करें। तो इस तरीके से जो है G7 का जो सम्मेलन था वो बेसिकली वर्तमान की जो वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित था तथा भविष्य में जो है चाइना के इस तरीके से कथित तौर पर की जाने वाली गैर जिम्मेदाराना हरकत से जो निपटने के लिए एकजुटता का भी जो एक संदेश था। भारत की तरफ से इसमें स्वास्थ्य को लेकर के महत्वपूर्ण प्रपोजल भी रखा गया जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था जिसका कि अन्य देशों के द्वारा स्वागत भी किया गया और भारत की तरफ से इस बात की अपेक्षा किया गया कि वो वैश्विक पटल पर भारत की इस तरीके के प्रपोजल का समर्थन करें। एक संगठन और है G20 और G7 जहां पर G7 जो है वो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था वाले जो है देशों का समूह है वहीं पर G20 जो है वो विकसित और उभरती हुई देशों का जो है वो समूह है। G7 की स्थापना जहां पर 1975 में हुई थी वहीं पर G20 की स्थापना 1999 में जो है हुई थी जहां पर ये दुनिया की जो है लगभग 60% GDP को व्यक्त करता है वहीं पर ये लगभग जो है 80% GDP को जो है व्यक्त करता है। जहां पर ये जो है केवल इकोनॉमिक सेक्टर में जो है काम करता है वहीं पर ये जो है वैश्विक समस्याओं के जो है संदर्भ में काम करता है। तो इस तरीके से G7 और G8 दोनों ही दुनिया को बेहतर बनाने के जो है सपने को लेकर के आए हैं लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ मूलभूत अंतर है जिसे इसके साथ में हम लोग देख रहे हैं और ये जो है अंतर समझ करके हम मुख्य परीक्षा में इसके उत्तर को जो है बहुत ही क्लियरली लिख पाएंगे। तो इस आधार पर जो है इन दोनों के बीच के अंतर को भी हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया। तो यह एक समसामयिक मुद्दा था जिसके माध्यम से कुछ हम परंपरागत ढांचे को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया क्योंकि केवल करंट से ही जो है आप अपने उत्तर को बेहतर नहीं लिख पाएंगे उसके पीछे जो भी उसका ढांचागत व्यवस्था जो भी उसके विकास है जो भी उसमें देश शामिल है जो भी उसकी स्थापना हुई है इन सभी बातों की भी जो जानकारी आप लोगों को होना चाहिए ताकि न केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आप इससे संबंधित उत्तर को बेहतर ढंग से लिखने में जो है सफल हो सकें। तो इसी तरीके का अप्रोच आपको अपनी तैयारी के दौरान अन्य GS के भी पेपर में और करंट अफेयर्स के संदर्भ में अपनाना चाहिए ताकि आपकी एक बेहतर सोच विकसित हो सके बेहतर कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर सकें और आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अपनी दावेदारी को आप मजबूती के साथ पेश कर सकें। तो आज के करंट अफेयर्स के इस जो है सेशन में जो है बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में हम इसी तरीके से कोई और नए टॉपिक पर लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जो है जारी रखिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए।